हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत पोयम 4, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग का मतलब होता है एक वस्तु, थिंग मीन्स वस्तु, ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, अर्थात सुंदरता की एक वस्तु। अब सुंदरता की एक वस्तु, ये जो पोयम है इसमें जो पोएट है वह सुंदरता की वस्तु किसे कहे हैं। सुंदरता की वस्तु जैसे हम लोगों का सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, हम लोगों की पृथ्वी है, हमारे धरती पर जो अनेक प्रकार के फूल हैं वही हम लोगों की सुंदरता की वस्तु है अकॉर्डिंग टू द पोएट। और पोएट इस चीज़ को भी पहले स्टेंजा जो हम लोगों का देखिए स्टेंजा है और स्टेंजा पर जो वेस्ट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं आज की क्लास में हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों का एक जो पहला स्टेंजा है, इस पहले स्टेंजा में बताया गया है कि इट्स लवलीनेस इनक्रीजेस, यानी इट्स लवलीनेस, इट्स इसका यानी किसका, सुंदरता की वस्तु का, जो सुंदर वस्तु होती है उसका लवलीनेस, प्यारापन, लवलीनेस मीन्स होता है प्यारापन, इंक्रीज होता रहता है अर्थात बढ़ता रहता है। सुंदरता की वस्तु का जो प्यारापन होता है वो बढ़ता रहता है। और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और इट यह नेवर मीन्स कभी नहीं, पास इनटू का मतलब होता है परिवर्तित होना, यह कभी परिवर्तित नहीं होता, नथिंगनेस, नथिंगनेस का मतलब होता है शून्यता, यानी जो सुंदरता की वस्तु होती है उसका प्यारापन बढ़ता रहता है और वह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होता, यानी प्यारापन उसका कभी खत्म नहीं होता। और क्या होता है कि बट विल कीप ए बावर, और वह एक हमारे लिए बावर रखता है, बावर का मतलब होता है कुंज, किसका, क्वाइट, शांति का, फार अस हमारे लिए, यानी वह हमारे लिए एक शांति का कुंज रखता है। एंड स्लीप, और अच्छी नींद हमें वहाँ पर मिलती है, यानी कि जो सुंदरता की वस्तु होती है, जो सुंदरता की वस्तु है, जैसे ही हम सुंदरता की वस्तु में जाएंगे तो वहाँ पर हमें एक शांति प्रदान होती है और बहुत अच्छी स्लीप, नींद प्रदान होती है, और जो नींद प्रदान होती है वो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वे मधुर स्वप्न से, स्वीट ड्रीम से यानी मधुर स्वप्न से भरी होती है। एंड हेल्थ, और हम बहुत स्वस्थकर होते हैं। एंड और क्वाइट ब्रीथिंग, और सुंदरता की वस्तु के संपर्क में जब हम होते हैं तो बहुत चैन की नींद हम लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पहला स्टेंजा था इसका अर्थ था। आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है ए थिंग ऑफ ब्यूटी का हिंदी एक्सप्लेनेशन, पहले आप उसे देखिए, फिर इसके जो स्टेंजा बेस क्वेश्चन आंसर है इसे करेंगे तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए इस पर वेस्ट हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसके बाद इसके आंसर को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन है हूज लवलीनेस, हूज मीन्स होता है किसका, हूज मीन्स किसका, लवलीनेस, लवलीनेस का मतलब होता है प्यारापन, विल कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है जारी रहता है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि करना, यानी किसका प्यारापन जो है बढ़ता रहता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि किसका प्यारापन हमेशा इंक्रीज होता है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर है द लवलीनेस, लवलीनेस मीन्स प्यारापन ऑफ किसका, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स माने होता है वस्तुएं, ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, यानी जो सुंदरता की वस्तु होती है, जो सुंदरता की चीज़ होती है उसका प्यारापन, विल कीप ऑन, कीप ऑन जारी रहता है, इंक्रीजिंग बढ़ना, यानी जो सुंदरता की वस्तु होती है उस सुंदरता की ही वस्तु का जो प्यारापन होता है वो इंक्रीज होता रहता है अर्थात बढ़ता रहता है। इसका जो प्यारापन होता है वो कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होता, यानी कभी खत्म नहीं होता, इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक पहला क्वेश्चन है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, पहचानिए द फ्रेज, फ्रेज माने होता है वाक्यांश, वाक्यांश को पहचानिए, विच जो सेज कहता है दैट कि इट इज इमॉर्टल, इट इज यह है इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, यानी अब जो है इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए द फ्रेज को यानी वाक्यांश को, विच जिसमें इस बात को कही गई है कि यह अमर है,
इट इज इमॉर्टल, यह अमर है, तो कौन से ऐसे वाक्यांश है जिससे ये पता चलता है कि उसमें अमरता की बात कही गई है। देखिए तो हम लोगों का ये जो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर होगा द फ्रेज, यानी वाक्यांश दैट जो सेज, से मीन्स कहना, कहता है इट इज इमॉर्टल, कि इट इज यह है इमॉर्टल है, अमर है। इज वह वाक्यांश क्या है, नेवर पासेज इंटू नथिंगनेस। यहाँ पर देखिए ये जो वाक्यांश है हमारे कि नेवर कभी नहीं, पासेज इंटू, पास इंटू का मतलब होता है परिवर्तित होना, यानी कि कभी परिवर्तित नहीं होता इंटू नथिंगनेस। नथिंगनेस का मतलब होता है शून्यता में, शून्य में, यानी कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होता। अब इसका अर्थ क्या है, यानी कि जिस वस्तु का प्यारापन कभी सुंदरता में परिवर्तित नहीं होगा तो वो क्या होगा, अमर ही होगा, तो उसका प्यारापन हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो यही वाक्य है जिससे ये पता चलता है कि इस बात को कहा गया है कि जो क्या है, ऐसी चीज़ें जो क्या है कि इट इज़ इमॉर्टल, कि यह अमर है। तो अमर क्या है, तो इसी चीज़ से पता चलता है कि जो कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है वही अमर होता है। तो इस वाक्य से हम लोगों का ये क्लियर हो जाता है। फिर से इसका अर्थ समझिएगा कि द फ्रेज यानी वाक्यांश दैट जो सेज मीन्स कहता है इट इज इमॉर्टल, कि इट इज यह है इमॉर्टल अमर, वो वाक इज है, वह वाक्यांश क्या है, नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, यानी नेवर कभी नहीं, पासेज परिवर्तित होता है, पासेज इनटू मीन्स परिवर्तित होना, नथिंगनेस यानी शून्यता में, कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होता है। इसका अर्थ हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसका जो भावार्थ है कि जो चीज़ कभी शून्यता में ही नहीं परिवर्तित होगी तो यानी कि उसका प्यारापन जो है क्या होगा, अमर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट इज ए बावर। देखिए ये हम लोगों का क्वेश्चन है व्हाट, क्या इज है ए बावर, बावर मीन्स होता है कुंज, एक कुंज क्या है, एक बावर क्या है, अर्थात एक कुंज क्या है। तो देखते हैं कि एक बावर या एक कुंज क्या है, तो देखिए हम लोगों का हो जाएगा इट इज ए क्वाइट, इट इज यह है ए क्वाइट, एकदम शांत एंड और सैडी प्लेस, सैडी मीन्स होता है छायादार, प्लेस मीन्स होता है स्थान, यानी यह एक शांत और छायादार स्थान है। यानी जो आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि बावर क्या है, तो बावर वर्ड से आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था वो खत्म हुआ। बावर वर्ड किसको कहा गया है, एक ऐसे स्थान को कहा गया है जो स्थान एकदम क्वाइट हो, शांत हो और सैडी हो, सैडी का मतलब छायादार हो, तो उसी स्थान को क्या कहा गया है, बावर कहा गया है। बावर क्या है, तो बावर एक शांत और छायादार स्थान है। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है वाई डू वी नीड, वाई क्यों, वी नीड, वी मीन्स हमें, नीड मीन्स जरूरत है, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स का मतलब होगा मधुर स्वप्न, हमें मधुर स्वप्न की क्यों जरूरत है, हेल्थ स्वास्थ्य की क्यों जरूरत है, एंड और क्वाइट ब्रीथिंग और चैन की सांस, क्वाइट ब्रीथिंग यानी चैन की सांस की हमें क्यों जरूरत है, इन आवर लिप्स, इन माने में, आवर लिप्स हमारे, लिप्स माने जीवन, हमारे जीवन में, हमारे जीवन में मधुर स्वप्न, स्वास्थ्य और चैन की नींद की जरूरत क्यों है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी नीड, वी हमें नीड जरूरत है ऑल दीज थिंग्स, ऑल माने सभी, दीज मीन्स ए, थिंग्स माने चीज़ों की, यानी कि हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, सो दैट यानी ताकि, सो दैट ताकि हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि वी कैन इन्जॉय, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकना, इन्जॉय मीन्स आनंद, ताकि हम इन्जॉय कर सकें, आनंद कर सकें द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, किसकी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु का, यानी इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत है ताकि हम सुंदरता की वस्तु का आनंद ले सकें, इंजॉय कर सकें, इसलिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, मधुर स्वप्न की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, चैन की सांस की, ये जो चैन की सांस लेना होता है उसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम सुंदरता की जो वस्तु होती है उसका क्या कर सकें, आनंद ले सकें, इंजॉय कर सकें। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहले स्टेंजा पर वेस्ट जो क्वेश्चन थे उसके जो आंसर थे हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम लोगों का जो सेकेंड स्टेंजा है वो है देयर फॉर ऑन एवरी मारो वी आर रीथिंग, यहाँ से है, और मेड फॉर आवर सर्चिंग,
यहाँ तक है। तो अगर आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा और इसके अर्थ को आप पूरी तरह से समझ लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर और इसके आंसर को देखते हैं ताकि वीडियो हम लोगों का काफ़ी लंबा ना हो। इस पर अब पहला क्वेश्चन बेस्ड है, नेम द पोएम एंड पोएट। अब देखिए पहला कह रहा है कि नेम, नाम बताइए द पोएम कविता का, जहाँ से स्टेंजा लिया गया है जिस पोएम से उस पोएम का नाम बताइए, एंड पोएट और कवि का नाम बताइए। यानी कि पोएम और पोएट कवि दोनों का नाम हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले का आंसर हम लोगों का हो जाएगा द नेम ऑफ द पोएम इच। द नेम, नेम मीन्स नाम, ऑफ द पोएम, पोएम मीन्स कविता, ऑफ मीन्स का, यानी कविता का जो नाम, इच मीन्स है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक वस्तु, ए हम लोगों का पोयम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड और इट्स पोएट, इट्स इसके जो पोएट हैं, जो कवि हैं, इज हैं कौन, जॉन किट्स, और इसके जो पोएट हैं वो कौन हैं, जॉन किट्स हैं, यानी जॉन किट्स, यानी कि जॉन किट्स के द्वारा ए पोयम ए थिंक ऑफ ब्यूटी क्या की गई है, कंपोस्ट की गई है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द फ्लावरी बैंड। व्हाट मीन्स क्या, इज है फ्लावरी, फ्लावरी का मतलब होता है फूलदार, बैंड यानी कि फूलदार बैंड क्या है, दैट जो बाइंड अस, बाइंड मीन्स होता है बांधना, जो बांधती है अस हमें टू द अर्थ, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, यानी कि ए फ्लावरी बैंड क्या है, यानी ए फूलदार बैंड क्या है जो हमें इस पृथ्वी से क्या करती है, बाइंड करती है अर्थात बांधती है। तो ये क्या है जो हमें पृथ्वी से बांधती है, तो देखिए ये क्या है, अभी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सेकेंड का हम लोगों का क्वेश्चन है द फ्लावरी बैंड, द फ्लावरी बैंड यानी कि ये जो फूलदार बैंड है, हियर मीन्स यहाँ, मीन्स इसका मतलब है थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की वस्तु, यानी फ्लावरी जो बैंड यहाँ पर दिया है इसका जो मीन है यहाँ पर वो है कि सुंदरता की वस्तु, यानी सुंदरता की वस्तु ही है जो हमें इस पृथ्वी से बांध करके रखती है, इस पृथ्वी से हमारा एक प्रकार का संबंध बना है, एक प्रेम बना है इस पृथ्वी से। तो यहाँ की जो सुंदरता की वस्तु है केवल वही है जो हमें इस पृथ्वी से बांध के रखती है। इट इज़ ऑनली, और इट इज़ यह है ऑनली केवल, बिकॉज ऑफ द थिंग्स यानी यह केवल वह चीज़ है ऑफ ब्यूटी सुंदरता की, दैट वी कैन कंटिन्यू जिसमें वी हम कंटिन्यू लगातार टू लिव जीते रहते हैं, जीवन अपना यापन करते हैं ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर। यानी यहाँ पर कहने का मतलब आप लोग समझिएगा कि जो ये फ्लावरी बैंड है, ये जो फ्लावरी बैंड है यहाँ पर इसका जो मतलब है वो सुंदरता की वस्तु से ही है, और इट इज़ ऑनली, इट इज यह है ऑनली केवल, बिकॉज क्योंकि ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तु है, वही सुंदरता की वस्तु है जिससे कि इस धरती पर हम लगातार क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, यानी सुंदरता की चीज़ों के कारण ही हम इस धरती पर क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यही हो जाएगा कि यहाँ पर जो फ्लावरी बैंड है इसका मतलब है सुंदरता की वस्तु, और इस धरती पर सुंदरता की वस्तु ही है जिसकी वजह से हम इस धरती पर क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, जी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट डज द पोएट मीन। व्हाट क्या, डज द पोएट, पोएट का, कवि का मीन माने मतलब है बाई, किसके द्वारा, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, यानी निराशा के बावजूद, इस शब्द के द्वारा जो पोएट है उनका क्या मतलब है, यानी कि व्हाट डज द पोएट मीन यानी पोएट का क्या मतलब है किस शब्द के द्वारा, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस माने निराशा, यानी निराशा के बावजूद इस शब्द के द्वारा पोएट का क्या मीन है, क्या मतलब है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इट मीन्स इसका मतलब है ए लॉट ऑफ डिसअपॉइंटेड, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, इसका मतलब है कि ढेर सारा, बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट, यानी डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, इसका मतलब है कि बहुत सारी निराशा। एंड और सैडनेस, सैडनेस माने दुख,
और बहुत सारा दुख ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। यानी कि इसका मतलब है कि बहुत सारी निराशा और इस धरती पर बहुत सारा दुख, यही इस शब्द का मतलब है। जो पोएट ने हमसे कहा था कि निराशा के बावजूद, तो इसका क्या मतलब है पोएट के कहने का, तो इसका मतलब यही है कि इस धरती पर बहुत सारी निराशा और बहुत सारे दुख जो है धरती पर, यही इसका मतलब है। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट मैसेज, व्हाट मीन्स क्या, मैसेज मीन्स होता है संदेश, यानी क्या संदेश इज कन्वेड, कन्वेड माने देना, कन्वे मीन्स होता है देना, तो क्या संदेश देता है थ्रू दीज लाइन, थ्रू माने माध्यम से, दीज माने ए, लाइन्स मीन्स पंक्ति, इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश हमें मिलता है या क्या संदेश हमें दिया गया है इस पंक्ति के माध्यम से। तो देखिए इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया जाता है, क्या संदेश हमको मिलता है, द मैसेज, संदेश, मैसेज मीन्स संदेश, कन्वेड यानी कि प्रदान होता है, हमें मिलता है थ्रू दीज लाइन, थ्रू माने से, दीज माने ए, लाइन मीन्स पंक्तियाँ, इस पंक्तियों से हमें मैसेज मिलता है दैट की इट इज ऑनली, इट इज यह है ऑनली केवल, बिकॉज ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि हमें इस लाइन से यह संदेश मिलता है कि यह केवल सुंदरता की वस्तु ही है, दैट जिस पर वी आर एबल यानी कि ये सुंदरता की वस्तु है, दैट जो वी आर एबल एबल मीन्स समर्थ, वी मीन्स हम, आर मीन्स है, एबल मीन्स समर्थ, टू लिव जीवित रहने के लिए ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर। यानी कि इस पंक्ति से हमें यह संदेश मिलता है कि केवल सुंदरता की वस्तु ही है जिसके कारण हम इस धरती पर जीने के लिए क्या है, समर्थ है, एबल है, अदरवाइज अन्यथा देयर इज सो मच ग्रीप, अन्यथा देयर इज यहाँ है सो मच, अत्यधिक, मच मीन्स अधिक, ग्रीप, ग्रीप माने होता है दर्द, दुख, अन्यथा यहाँ पर बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दर्द है ऑन दिस इस पृथ्वी पर, अन्यथा इस पृथ्वी पर बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दर्द है, और दैट जो इट वुड है बिकम, और जो दुख है यह दुख क्या करता कि बिकम बन जा, बना देता इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, जो असंभव कर देता विदाउट माने बिना थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी का मतलब सुंदरता की वस्तु, जो सुंदरता की वस्तु के बिना क्या बना देता, असंभव बना देता इस धरती पर क्या करना, जीना। यानी अब आप लोग इसका अर्थ देखिए, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा कि इस ये जो लाइन है, इस लाइन के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि केवल इस धरती पर सुंदरता की वस्तु ही है जिसके कारण हम जीने में समर्थ हैं, अन्यथा इस धरती पर इतने अधिक दुख और दर्द हैं कि हम सुंदरता की वस्तु के बिना यहाँ पर हमारा जीना क्या हो जाता, इम्पॉसिबल हो जाता, असंभव हो जाता। अर्थात इस हम धरती पर हम लोग जीवित हैं वो देन किसकी है, सुंदरता की वस्तु की है, अगर सुंदरता की वस्तु न होती तो हम लोगों का जीना क्या हो जाता, असंभव हो जाता, किसके बिना, सुंदरता की वस्तु के बिना। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा कम्प्लीट होता है। अगला स्टेंजा है हम लोगों का ऑफ ऑल अनहेल्दी, यहाँ से लेकर हम लोगों का है फ्रॉम आवर डार्क स्प्रिट्स, यहाँ तक है हम लोगों का, तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर देखें। अब इस पर जो वेस्ट क्वेश्चंस हैं हम उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी कि कविता का नाम और कवि का नाम। तो देखिए आप लोगों को याद हो गया होगा द नेम ऑफ द पोएम यानी कविता का नाम इज है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये हम लोगों की पोएम है, एंड और इट्स पोएट, और इसके जो पोएट्स हैं वो कौन हैं, तो जॉन किट्स जी हैं इसके पोएट। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट इज क्या है मीन्ट, मतलब किसके द्वारा, बाई ओवर डार्कनेट ए डार्केंड वेज, डार्केंड का मतलब होता है अंधकारमय, और वे मीन्स होते हैं रास्ते, यानी अंधकारमय रास्तों के द्वारा, ये जो अंधकारमय रास्ते हैं इसके द्वारा कवि का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा द ओवर डार्केंड वेज यानी अंधकारमय रास्तों पर,
इसका मीन्स मतलब है द मिस्ट्रीसियस। मिस्ट्रीसियस मीन्स होता है रहस्यमय, यानी रहस्यमय थिंग्स माने चीज़ें। अब इसका अंधकारमय रास्तों का मतलब है कि रहस्यमय चीज़ें, दैट जो ह्यूमन बींग रहस्यमय चीज़ें हैं इसका, यानी कि ये जो अंधकारमय रास्ते हैं इसका मतलब है कि रहस्यमय चीज़ें, दैट जिसको ह्यूमन बींग्स, जिसको जो मानव है वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, असफल हो जाता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, समझने के लिए। यानी कि अंधकारमय रास्तों पर इसका जो मीन्स है, मतलब है, इसका मतलब है कि रहस्यमय चीज़ें, और जिस रहस्यमय चीज़ों को मानव समझने में क्या होता है, फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। अब देखिए अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, व्हाट डज सम शेप ऑफ ब्यूटी डू। व्हाट, क्या डज सम शेप, कुछ आकार, कुछ शेप मीन्स आकृतियाँ, ऑफ ब्यूटी सुंदरता की, डू, डू मीन्स होता है करना, यानी सुंदरता की कुछ आकृतियाँ क्या करती हैं, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। व्हाट, क्या डज द सम शेप कुछ आकृतियाँ ऑफ ब्यूटी सुंदरता की, डू, डू मीन्स होता है करना, करती हैं, सुंदरता की कुछ आकृतियाँ क्या करती हैं। तो देखिए सुंदरता की कुछ आकृतियाँ, यानी जो हमारे लिए सुंदर आकृति हैं, जब हम उनको देखते हैं तो उस सुंदर आकृति को देखते ही क्या होता है कि इट रिमूव्स, यह जो सुंदरता की आकृति होती है, जैसे ही हमारी दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है तो इट रिमूव, रिमूव मीन्स होता है हटा देना, तो यह हटा देता है द श्राउड, श्राउड है, यह श्राउड हटा देता है। श्राउड का मतलब ऐसे होता है कफन, यहाँ पर हो जाएगा आवरण, वह आवरण को हटा देता है ऑफ सैडनेस, यानी दुख के, फ्रॉम आवर स्प्रिट, स्प्रिट मीन्स होता है आत्मा, यानी जैसे ही हम सुंदरता की वस्तु को देखते हैं, सुंदरता की आकृति को देखते हैं, तो वो हमारी आत्मा पर से जो एक दुख का आवरण होता है, उस दुख के आवरण को रिमूव कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आइडिया, व्हाट मीन्स क्या, आइडिया मीन्स विचार, इज कन्वेड, इज मीन्स है कन्वेड, दिया गया है बाई दीज लाइन, इन लाइनों के द्वारा, यानी ये लाइनों के द्वारा हमें क्या विचार दिया गया है। तो देखिए इसमें हम लोगों का क्या विचार दिया गया, द पोएट मीन्स, द पोएट यानी कवि का जो मीन्स है, मतलब है टू से, कहने का, यानी कवि का जो कहने का मतलब है दैट कि ओनली द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ओनली केवल द थिंग्स, वस्तु ऑफ ब्यूटी सुंदरता की, यानी कवि का जो कहने का मतलब है वो ये है कि केवल सुंदरता की वस्तु मेक, बना सकती है आवर लाइफ, हमारे जीवन को पॉसिबल, संभव, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर। यानी पोएट के कहने का मतलब ये है कि केवल सुंदरता की ही वस्तु है, जो सुंदरता की वस्तु इस धरती पर हमारे जीवन को पॉसिबल बना सकती है, संभव बना सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा प्रवेश जो क्वेश्चन थे खत्म हुए। अब मूव करते हैं अगले स्टेंजा पर और देखते हैं अगला स्टेंजा क्या है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का है एंड सच, और हम लोगों का हो जाएगा हैम एंड ब्रिक, यहाँ तक तो इस पर वेस्ट। अब जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है नेम द पोएम एंड पोएट, कविता और कवि का नाम बताइए। तो आप लोगों को याद है द नेम ऑफ द पोएम इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कविता का नाम क्या है हम लोगों का पोएम का, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की एक वस्तु, एंड और इट्स पोएट, और इसके जो कवि हैं वो कौन है, जॉन किट्स हैं। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैव, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट हैव वी इमेजिन्ड, इमेजिन्ड का मतलब होता है कल्पना करना, यानी क्या हम कल्पना करते हैं। फॉर माइटी डेड, माइटी डेड का मतलब होता है, माइटी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा पराक्रम, पराक्रमी, और डेड मीन्स हो जाएगा मृतक, यानी कि जो पराक्रमी मृतक हैं वो पराक्रमी जो मृतक हैं या शक्तिशाली जो मृतक हैं वो किस चीज़ की कल्पना करते हैं, वो क्या किस चीज़ के लिए कल्पना करते हैं, यानी जो शान से मरते हैं वो पराक्रमी जो मृतक होते हैं वो किस चीज़ की कल्पना करते हैं, ये हम लोगों से क्वेश्चन करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा वी हैव इमेजिन्ड, वी हम इमेजिन्ड कल्पना करते हैं दैट कि माइटी डेड यानी जो पराक्रमी मृत है वुड गेट, वो प्राप्त हो, ड्यू मीन्स कारण,
ड्यू मीन्स होता है कारण। और यहाँ पर जो रिवार्ड है, रिवार्ड का मतलब आप लोगों का यहाँ पर पुरस्कार न हो करके, रिवार्ड का मतलब आप लोगों का यहाँ पर पुरस्कार नहीं होगा, बल्कि रिवार्ड का मतलब हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसका फिर से समझिएगा, वी हैव इमेजिन्ड, तो वी हैव इमेजिन्ड हम कल्पना करते हैं दैट की माइटी डेड, माइटी डेड यानी पराक्रम मृतक जो हैं वो कल्पना करते हैं कि वुड गेट ड्यू रिवार्ड, कि हमको रिवार्ड मिले, रिवार्ड का मतलब यहाँ पर पुरस्कार ना होकर के प्रतिफल हो जाएगा। आप डियर डिट्स, डिट्स माने वैसे तो कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर डिट्स का मतलब क्या हो जाएगा, डिट्स का मतलब हम लोगों का यहाँ पर प्रतिफल यानी कि कर्म से हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अब डे ऑफ जजमेंट का मतलब कि न्याय का दिन, जजमेंट मीन्स होता है न्याय और डे मीन्स होता है दिन, यानी जजमेंट के दिन, यानी कि हम यहाँ पर इसका अर्थ कह सकते हैं कि जो पराक्रमी या मृतक होते हैं वो मृतक को न्याय के लिए उनके जो कर्मों का प्रतिफल होता है वो क्या होता है, मिलता है, और इसी की वो क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, यानी कि वी हैव इमेजिन्ड हम कल्पना करते हैं, या जो पराक्रमी मृतक हैं वो कल्पना करते हैं हमसे क्या कि हमको क्या हो कि वुड गेट प्राप्त हो ड्यू रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स प्रतिफल, कि हमको प्रतिफल प्राप्त हो ऑफ दियर डेट्स उनके कर्मों का। ऑन द डे ऑफ जजमेंट यानी कि न्याय के दिन पर, यानी जो पराक्रमी है वो इसकी कल्पना करते हैं कि हमको हमारे कर्मों का प्रतिफल न्याय के दिन पर क्या हो, प्राप्त हो। इस प्रकार से हम लोगों का ए भी आंसर कंप्लीट होता है। अगला है हम लोगों का हु आर दीज माइटी डेड, हु आर कौन है दीज ए माइटी डेड यानी पराक्रमी मृतक, माइटी डेड का मतलब पराक्रमी मृतक, ए पराक्रमी मृतक कौन है, ये हमसे क्वेश्चन है कर रहा है। तो देखिए ए पराक्रमी मृतक कौन है, दीज माइटी डेड्स, ए दीज माने ए माइटी डेड्स, ए पराक्रमी मृतक, आर मीन्स है दोज पर्सन वे व्यक्ति हैं, दोज मीन्स वे, पर्सन मीन्स व्यक्ति हैं, हु हैव सैक्रीफाइस्ड, हूँ जो हैव सैक्रीफाइस्ड जिन्होंने कि सैक्रीफाइस कर दिया हो, त्याग दिया हो दियर लिव्स अपने जीवन को फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मीन्स होता है मानवता और फॉर द सेक का मतलब हो जाएगा के लिए, यानी ए पराक्रमी मृतक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मानवता के लिए अपने जीवन को क्या कर दिया है, त्याग दिया है, यही उन्हीं की बात हो रही है। यानी पराक्रमी मृतक कौन है, तो पराक्रमी मृतक वही हैं जो मानवता के लिए अपने प्राण को क्या कर दिए हैं, त्याग दिए हैं, वही हमारे कौन है, पराक्रमी मृतक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट लवली टेल्स, व्हाट मीन्स क्या, लवली मीन्स प्यारी, टेल्स माने कथाएं, डज द पोएट टॉक ऑफ, डज द पोएट कवि टॉक ऑफ बात करते हैं, टॉक मीन्स बात करना, यानी कि किस प्रकार की, यानी कथाओं का, किस प्रकार की प्यारी कथाओं का कवि क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा द पोएट यानी कवि टॉक्स बात करते हैं ऑफ द टेल्स कथाओं का, ऑफ द ब्रेवरी बहादुरी की, यानी जो कवि है वह बहादुरी की कथाओं की बात करते हैं, ऑफ द माइटी डेड्स यानी कि माइटी डेड का मतलब पराक्रमी मृतक, यानी जो कवि है वह पराक्रमी मृतक के बहादुरी की कथाओं के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो स्टेंजा वेस्ट क्वेश्चंस थे और उसके आंसर थे यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसी तरह किसी दूसरे चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।